नेक्स्ट लेक्चर है आपका सिंथेटिक डिवीजन पे। सिंथेटिक डिवीजन हमने पढ़ ली थी, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्स माइनस प्लस थ्री है ना, ठीक है, हमने क्या देखना होता है, एक्स माइनस ए देखना होता है। तो जब आप इसको एक्स प्लस थ्री को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस इंटू माइनस थ्री, यानी कि जो माइनस हो रहा है हमने वो देखना है। तो असल में हमें यानी कि, या दूसरा तरीका क्या होता है कि एक्स प्लस थ्री को इक्वल टू जीरो, यानी कि जो भी एक्स की एक्स का फॉर्म में जो जिस पे आपने डिवाइड करना है, वो जो वैल्यू दी हुई है उसको आपने इक्वल टू जीरो पुट करना है। एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस थ्री, यानी कि एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो पुट करना है और आपके पास एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थ्री आ गया। या फिर आपने ये देखना होता है कि एक्स में से माइनस क्या हो रहा है, अभी प्लस हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, जब प्लस को आप क्या लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस, ठीक है, तो एक्स माइनस इंटू माइनस थ्री, ठीक है। इस तरह करके जैसे इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ, एक्स हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है नीचे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। पहले फंक्शन लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की फोर माइनस टेन एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर आ गया, फंक्शन लिख दिया सिंपल, जो आपको दिया हुआ पॉलीनोमियल या फंक्शन जिसको कहते हैं, पॉलीनोमियल फंक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें आपने सबसे पहले लिखना है, देखें एक्स की क्यूब है, अब आपको पता है एक्स की थ्री नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है, कल जो मेथड पढ़ा था उसमें कहा था जो टर्म नहीं होती, जो पावर नहीं होती एक्स की, जैसे इसमें एक्स की फोर के बाद एक्स की क्यूब नहीं आई, पावर एक्स की स्केयर आ गई, इसका मतलब उसका कोफिशेंट क्या है, जीरो। तो आपने क्या लिखना है, जीरो एक्स की क्यूब। इस तरह अगर स्केयर करना होता तो फिर उसको भी आप लिखते हैं जीरो एक्स का स्केयर, अब है तो आपने टेन एक्स का स्केयर माइनस टू एक्स प्लस फोर लिख लिया। सबसे पहला काम आपने ये करना होता है, फंक्शन कंप्लीट करके लिखना, जो 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 पावर मिसिंग है उसका मतलब उसका कोफिशेंट आपने जीरो उठा के लिख देना है, जैसे एक्स की फोर का नहीं है तो जीरो एक्स की फोर लिख देना, एक्स की क्यूब का नहीं है तो जीरो एक्स की क्यूब लिख देना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, एक्स माइनस ए, जो आपको एक्स माइनस ए की जगह क्या दिया, वैसे तो जनरली क्या होता है एक्स माइनस ए, उसकी जगह आपको पास क्या है एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस ए, और ए आपका क्या होता है डिवाइजर होता है, इसका मतलब आपने ए की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू आपके पास क्या एक्स की वैल्यू निकाल ली, वो क्या निकलाई, थ्री निकलाई, एक्स इज इक्वल टू जो आ रहा है वही आपकी क्या है ए की वैल्यू, माइनस थ्री ही पे भी जो एक्स की वैल्यू निकल रही है वही क्या है आपका डिवाइजर है, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री है, माइनस थ्री पे आपने क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइडेंड है आपके पास एक्स की फोर माइनस टेन एक्स का स्केयर प्लस ये डिवाइडेंड है आपका, डिवाइजर क्या आ गया आपके पास, डिवाइजर निकालने का क्या तरीका, एक्स माइनस एज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री करके जो एक्स की वैल्यू निकलती है वो आपका क्या होता है डिवाइजर होता है। तो माइनस थ्री पे अब आपने डिवाइड करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन लिखी हुई है, आप लिखने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है, माइनस थ्री लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आप पहला स्टेप अब वो ही आपने किया, ये इसका एक्स की फोर का कोफिशिएंट वन है, एक्स की क्यूब का जीरो है, एक्स स्क्वायर का माइनस टेन है, फिर माइनस एक्स का माइनस टू है, फिर क्या है फोर है, वो आपने कोफिशिएंट उठा के फर्स्ट लाइन में आपने क्या लिखने हैं, सारे के सारे कोफिशिएंट लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद ये वन है फर्स्ट एलिमेंट को, आपने जो फर्स्ट वाला कोफिशिएंट उसको डायरेक्ट नीचे लेके आना, उसके साथ कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इस माइनस थ्री को इस वन से क्या करना है, जो नीचे लेके आए हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या है माइनस थ्री, और जीरो के नीचे वो आपने वही एलिमेंट उठा के क्या कर देना है, लिख देना है जीरो इंटू माइनस थ्री। अच्छा, अब इनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में मुझसे गलती हो गई थी, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना होता। जीरो माइनस थ्री का आंसर क्या है, उसने ये भी बताया था कि जहाँ पे नीचे वाला एरो लगा उसका मतलब हमने ऐड किया, जहाँ पे ये तिरछा एरो लगा उसका मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। माइनस थ्री को आपने वन से मल्टीप्लाई करके लिखा माइनस थ्री, जीरो को ऐड किया, फिर माइनस थ्री में क्या आंसर आ गया, माइनस थ्री, वो आपने नीचे लिख दिया। अब फिर से वही माइनस थ्री को अब इस माइनस थ्री से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये जो ए आपने ये जो आपका डिवाइजर है इसको हर जो नीचे वाला एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके ऊपर ला के लिख देना है। पहले वन था, वन को सिर्फ सिंपली नीचे लेके आना, इसके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन फिर आगे इस वन से नीचे के जितने भी एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई, माइनस थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस थ्री आया, ठीक है। पहला स्टेप माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री का आंसर आपने माइनस थ्री निकाल दिया, दोनों को ऐड करना है, यहाँ से दोनों को ऐड करना है, और यहाँ से जो भी एलिमेंट नीचे नीचे इसे थर्ड लाइन में आते हैं वो सारे के सारे मल्टीप्लाई करके ऊपर वहाँ पे ऊपर वाले के साथ लिख देने हैं, ठीक है। माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री के आंसर आ गया, यानी कि ये माइनस थ्री है, ये जीरो माइनस थ्री का आंसर माइनस थ्री, माइनस थ्री और ये माइनस थ्री क्या आ गया, प्लस का नाइन, तो ये आपने ये नाइन यहाँ पे लिख दिया उठा के। जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो अगले वाले की अगला वाला जो कोफिशेंट होता है, जैसे इस कोफिशेंट को आपने सोल्व कर लिया, अब अगला कोफिशेंट है माइनस टेन, जीरो वाले कोफिशेंट को सोल्व करके जो आंसर आया आपके पास माइनस थ्री, उसको ए से मल्टीप्लाई करवा के अगले कोफिशेंट जो है माइनस टेन उसके नीचे लिख देना है। माइनस थ्री तो माइनस थ्री नाइन आ गया, माइनस टेन और नाइन, इसका आंसर क्या गया, माइनस वन। अब ये माइनस वन आ गया, ठीक है, फिर ये माइनस थ्री और ये माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री, फिर अगले वाले कोफिशिएंट के नीचे इसको लिख दिया, ठीक है। यानी कि अब माइनस टेन कोफिशिएंट को सॉल्व करने के बाद आपके पास माइनस वन आया था, उसको दोबारा वही क्या करना है, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना है, और अगला कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू, उसके नीचे लिख देना है, वो क्या गया, थ्री आ गया। इस तरह उसका आंसर वन आ गया। वही सलूक करना है, क्या माइनस टू से अगला कोफिशिएंट माइनस फोर है, और जो पिछला कोफिशिएंट उसको सोल्व करके आपके पास वन आया, माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई वन, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थ्री से, तो ये आपके पास क्या आ गया, फोर माइनस थ्री, इन दोनों को ऐड किया, अब आंसर क्या आ गया, वन आ गया। आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो आपने सोल्व नहीं करना, इसका मतलब यही आपका क्या है, रिमाइंडर है।
ठीक है। तो इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, बिल्कुल उसी तरह पहले आपने कर लेना जो पीछे वाला तरीका था, क्या था, एक्स की 4 है, एक्स की क्यूब नहीं है और फिर एक्स वाला भी नहीं है, तो 0 एक्स की क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस 13 एक्स का स्केयर, एक्स वाला कोफिशेंट, एक्स वाला ही पावर नहीं है तो 0 एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो प्लस 36। तो ये आपने 1 0 माइनस 13 0 36 लिख लिया, कोफिशेंट्स लिख लिया, फिर एक्स माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 करके जो उसने दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 पर भी कहता है डिवाइड करें, और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 दोनों दोनों क्या है उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ फैक्टर होती है उसका मतलब ये होता है कि वो उसको क्या करिए, पूरा का पूरा डिवाइड करिए। जब आपको ये लिख दिया जाए कि ये दोनों इसके क्या हैं फैक्टर्स, उसका मतलब क्या है, उसको पूरा का पूरा क्या करिए, डिवाइड करिए, ठीक है। उसमें वैसे पहले उसने कहा था कि फाइंड आउट करें एक्स प्लस 3 पे डिवाइड करें इसको, और आपने फाइंड आउट करना है कोशेंट और रिमाइंडर, रिमाइंडर ये था और कोशेंट क्या होता है जिसपे हमने उसको क्या किया होता है, डिवाइड किया होता है, यानी कि जो ये आंसर बनना है अब नीचे वाला। अच्छा, और दूसरी बात यह कि सिंथेटिक डिवीजन में जब आप एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं, अगर यहाँ पर पावर 4 थी, यहाँ पे क्या होगी पावर 3 होगी, यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2। जो सिंथेटिक डिवीजन है उसमें एक बार डिवाइड करने के बाद, आपने पीछे भी डिवीजन पढ़ी थी, उसमें एक बार डिवाइड करने के बाद उसकी डिग्री क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर ये 4 का पॉलीनोमियल था ना, पावर 4 का, अब ये हो गया पावर 3 का, यानी कि 1 अगर 1 के साथ यहाँ पे एक्स की क्यूब एक्स की 4 था ना, लेकिन अब यहाँ क्या होगा एक्स की 3 से स्टार्ट होगा, 1 एक्स की 3 माइनस 3 एक्स की 2, ठीक है। या आप देखो यहाँ पे 3 आ रहा था लेकिन अब हमने क्या किया, माइनस 3 एक्स का स्क्वायर लिया और माइनस एक्स आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आ गया एक्स की क्यूब माइनस 3 एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और उसके बाद ये क्या प्लस क्या आ गया 1 आ गया, और ये जो 1 रिमाइंडर है इसको नहीं आप छेड़ना है, आपने रिमाइंडर 1 लिख दिया। तो ये क्वेश्चन किस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन निकालने का क्या तरीका होता है कि जो आपके पास डिवाइड करने के बाद नीचे से थर्ड लाइन बनी है, थर्ड लाइन का आखिरी एलिमेंट आपका रिमाइंडर है जो वो पूछते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, कैसे, यानी कि जो अगर पावर जैसे यहाँ पे 4 से स्टार्ट हो रही थी, अगर फॉर एग्जांपल 3 से स्टार्ट होती तो यहाँ पे आपने क्या लिखना था, 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स और इस तरह करके करना था, ठीक है। अब एक्स की 4 से स्टार्ट हुई थी, हमेशा पावर एक क्या हो जाती है सिंथेटिक डिवीजन में, एक दफ़ा डिवाइड करने के बाद डिवीजन का अमल यही होता है कि एक उसकी पॉलीनोमियल की जब भी डिवीजन करते हैं फर्स्ट डिवीजन में उसकी एक जो डिग्री की डिग्री हो जाती है फिर अगली पावर में, क्योंकि हम पहला पहला एलिमेंट क्या करते रहते हैं, 0 करते जाते हैं, ठीक है। ये पहले भी आपने डिवीजन पढ़ी थी, ठीक है, सिंपल जो डिवीजन थी यहाँ पर हमने पढ़ी थी उसमें क्या करते, देखो पहले पावर क्या थी, डिग्री क्या थी 3, इसमें डिग्री क्या हो गई, पावर एक्स की 2 रह गई, इसमें एक्स रह गई, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसकी पावर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने एक दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन लगाई है तो पावर एक क्या हो गई है एक्स की 4 से जो डिग्री है वो एक्स की क्या हो गई है क्यूब हो गई है। तो क्वेश्चन लेने का ये तरीका है, अब यहाँ पे एक्स की 4 की जगह क्या आ गया एक्स की 3 से स्टार्ट करना है। इस तरह ये सिंथेटिक डिवीजन इसमें की हुई है, उसने कहा है कि एक्स माइनस 2, पहले उसने अब पहले क्या था उसने क्या किया हुआ था, एक ही फैक्टर दिया हुआ था, अब उसने क्या दिए हुए, 2 फैक्टर दिए हुए हैं, तो 2 एक्स की पावर्स निकलेंगी, एक एक्स माइनस 2 के कुल करके निकालोगे एक्स प्लस 2 के कुल, चाहे पहले 2 पे डिवाइड करके यहाँ एक्स इक्वल टू 2 वो निकला है और एक्स इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, 2 वैल्यूज निकलेंगी, दोनों वैल्यूज पर अपने बारी बारी डिवाइड करना है, यानी कि पहले एक 2 पे डिवाइड कर लो फिर जो आंसर निकलता है उसको माइनस 2 पे डिवाइड कर लो, ठीक है। तो पहले आपने 2 पे डिवाइड किया, उसमें हम पहले जो हमने पढ़ा उसमें हम सिर्फ क्या करते थे, एक वैल्यू पे डिवाइड करते थे, ठीक है, 2 लिखा, उसी तरह जो इक्वेशन थी पहले बेशक माइनस 2 पे कर लो 2 पे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह 1 का 1 नीचे आ गया, ठीक है, इस 2 को अब इस 1 से नेक्स्ट कोफिशियंट के लिए नीचे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट कोफिशियंट के नीचे 0, नेक्स्ट कोफिशियंट है 1 के बाद नेक्स्ट कोफिशियंट क्या है 0, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 आ गया, 0 में से 2 ऐड किया 2 आंसर आ गया। अब इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई किया आपने क्या 4 आया और उसको नेक्स्ट कोफिशियंट 0 किया गया, नेक्स्ट कोफिशियंट कौन सा माइनस 13, उसके नीचे 4 लिख दिया, इस तरह करते करते आपके पास यहाँ पे ठीक है 4 आ गया, माइनस 3 और 13 और 4 को ऐड करें तो माइनस 9 आ गया, और 2 मल्टीप्लाइड में माइनस 9 तो ये माइनस 18, 0 प्लस माइनस 18 का अर्थ क्या आ गया माइनस 18, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 18, ठीक है, अब ये 36 है और माइनस 36 है, ठीक है, तो ये आपके पास देखो माइनस 18 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 36 आया था, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया आंसर 0 आ गया। अच्छा, तो जब रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाए, जब भी आप किसी चीज़ को डिवाइड करते हो, यानी कि आपके पास जो सिंपल डिवीजन होता है जैसे 36 को आपने 2 पे डिवाइड किया, 2 3 6, आंसर आपके पास 0 आ गया, उसका मतलब क्या होता है कि आपने उसको पूरा पूरा क्या कर दिया है, 2 ने उस वैल्यू उसको, यानी कि जैसे 6 होता था हमारे पास तो
उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब रिमाइंडर क्या बच गया, जीरो। जब आंसर हमेशा हमारे पास डिवाइड करने के बाद जीरो बच जाए, इसका मतलब है कि उस वैल्यू ने उस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है। तो उसमें हम कहते थे कि टू इज़ अ फैक्टर ऑफ, जैसे टू ने अगर पूरा पूरा डिवाइड कर दिया सिक्स को, तो टू इज़ अ फैक्टर ऑफ क्या कहलाता है, सिक्स कहलाता है, ठीक है। इस तरह थ्री भी फैक्टर क्या है, सिक्स का, क्योंकि थ्री भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। इसी तरह अब ये टू और माइनस टू भी, ये क्या दोनों का रिमाइंडर जीरो, इसमें बनता है। हम टू माइनस टू की डिवीजन देखेंगे अभी, तो टू और माइनस टू दोनों के तौर पूरा डिवाइड करने, तो उसने यही बोला था कि ये दोनों उसके क्या है, फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या होते हैं, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स हैं, इसको पूरा का पूरा डिवाइड करना है। अब उसने कहा कि बाकी दोनों फैक्टर निकालो, पहले हम इन दोनों पे डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन बचता है एक्स स्केयर माइनस नाइन। अब इधर से एक्स स्केयर माइनस नाइन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। अब ये भी दो क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। क्यों, क्योंकि हम डिवीजन क्यों हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम पॉलीनोमियल्स की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कहाँ से, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब जब हमने इस पर दो बार टू और माइनस टू लगाया, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हम फैक्टर्स खुद ब खुद निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो इस वजह से हमने दो बार पहले डिवाइड कर दिया, क्योंकि डिग्री क्या थी, फोर थी। एक दफ़ा डिवाइड किया टू पे, तो जब आपने फर्स्ट फैक्टर पे डिवाइड किया टू पे, तो आपके पास आंसर बच गया क्यूब, ठीक है, यानी कि डिग्री क्या आगे रहेगी, थ्री। फिर आपने एक दफ़ा डिवाइड किया डिग्री को भी टू, अब वो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे आप क्या बना सकते हो, फैक्टर्स बना सकते हो, ठीक है। तो बाय द सिंथेटिक डिवीजन अब आपने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, तो आपने अब सिंपली क्या किया, ये इसकी सारी की सारी फैक्टराइजेशन कर दी। माइनस टू पर भी डिवाइड किया, अब जो वन था उसी तरह वन को वन नीचे लेके आना हमेशा, ठीक है। माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय वन क्या आ गया, माइनस टू, और वो वन के अगला कोफिशियंट क्या था, ये टू, उसके नीचे आपने माइनस टू रख दिया। फिर दोनों को ऐड किया, जीरो आ गया। अब माइनस टू को फिर जीरो से मल्टीप्लाई किया, आंसर जीरो आ गया, ठीक है। माइनस नाइन अगला कोफिशियंट है, उसके नीचे आपने जीरो रख दिया, ठीक है। जो भी वैल्यू यहाँ पे जिस वैल्यू बचती है, उसको हमेशा इस वाली वैल्यू से, यानी कि जो फैक्टर ये जो आपको दिया होता है माइनस टू की, जो भी वैल्यू निकलती है आपका, यानी कि एक्स की वैल्यू निकलती है, उससे मल्टीप्लाई करके आप हमेशा, ठीक है, इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली वैल्यू को हमेशा अगली वैल्यू के नीचे रखते हैं, यानी कि माइनस नाइन के नीचे रखते हैं। माइनस नाइन के नीचे जीरो, फिर उन दोनों को ऐड करते हैं, फिर जो वैल्यू बनती है, फिर दोबारा उसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस टू को माइनस नाइन से मल्टीप्लाई करके एटीन। अब एटीन और माइनस एटीन का आंसर जीरो, इसका मतलब ये रिमाइंडर हो गया और हमारे पास आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। लास्ट एलिमेंट तक जाते हैं, यानी कि माइनस एटीन लास्ट एलिमेंट था, लास्ट कोफिशियंट था, वहाँ तक लेके गए। अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये थी पहले जब डिग्री थी फोर, एक दफ़ा डिवाइड किया टू पे तो डिग्री रह गई क्या, थ्री, यहाँ पे आ गई डिग्री थ्री। जब एक और दफ़ा डिवाइड किया माइनस टू पे, अब डिग्री क्या आ गई टू, इसका मतलब है ये वन एक्स स्क्वायर है, जीरो एक्स है और माइनस नाइन है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वन एक्स की क्यूब, टू एक्स का स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस एटीन था। यहाँ पे क्या था, जैसे हमने पीछे बनाया था, वन एक्स की फोर, फोर से स्टार्ट हो रही थी, फोर से थ्री हुई, थ्री से क्या हो गई, टू हो गई। तो ये आपने ये बिल्कुल ये मेन पॉइंट है इसका, आपने ये याद रखना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया, नाइन आ गया, ठीक है। तो अभी एक्स के स्क्वायर माइनस नाइन को आप लिख सकते हो एक्स की प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। तो उसने कहा था कि अगले दो फैक्टर बताओ, तो जब हमने, हमें पता है कि हमने खुद ही जानबूझ के दो बार डिवीजन की, जिससे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप फैक्टर्स आराम से बना सकते हो। तो आपने कहा अदर टू फैक्टर्स जो उसने अगले दो पूछे, वो क्या आ गए, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री। तो ये तो सिंपल, वैसे तो जो आपके पास पेपर आएंगे सिंपल सिंथेटिक डिवीजन आएगी, ठीक है। तो इसमें ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये उसने कहा है कि एक्स, ये आपकी लोगों की असाइनमेंट है, एग्जाम्पल नंबर सिक्स आप लोगों ने खुद करनी है, जो समझ नहीं आएगी वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है ना, आपने जो करना है वो क्वेश्चन नंबर आपके पास है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। और आपके पास इन्होंने यूज़ अस रिजल्ट्स टू फैक्टराइज द पॉलीनोमियल कम्प्लीटली। तो एक्स इज इक्वल टू टू, इसमें एक्स की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, बस आपने क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू टू जिसमें दिया हुआ है डिफरेंट, इसका मैं सोल्यूशन सेंड कर दूंगी, तो आप लोगों ने उसे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जो इसका ये जो एग्जाम्पल है, इसी के से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 15 है और आपके पास क्या है 16 है, ठीक है। तो उसमें क्या कहता है, एक्स माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ठीक है। जब भी ये इस पॉलीनोमियल के क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये उसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, मतलब एक्स प्लस वन, जब एक्स इज इक्वल टू, यानी कि आप जो आपके पास ए माइनस वन निकलता है और ए टू निकलता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें ए की वैल्यू निकलती है, एक्स की नहीं निकलती। पिछले वाली एग्जांपल में ना, जो यहाँ पे निकाली हुई है फॉर एग्जांपल, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लिखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू निकलता है, ए इज इक्वल टू माइनस टू। पहले मुझे भी पता था, लेकिन मैंने कहा शायद बुक पर ठीक हो, लेकिन ये आपने ठीक कर लेना है, ठीक है।
तो अपनी ए की वैल्यू निकालनी होती है। तो ए आपको चाहिए होता है, फैक्टर क्या होता है। अच्छा, अब अगर ये दोनों फैक्टर हैं, इसका मतलब इनको डिवाइड करने के बाद, यानी कि ए इक्वल टू टू और ए इक्वल टू माइनस वन, जब ये माइनस वन और टू पे डिवाइड किया तो आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बस आपका यही हिंट है, जो एंड पे आपका बचता है ना वैल्यू, उसको आपने इक्वल टू जीरो पुट करना है, और इसको भी इक्वल टू क्या करना है, जीरो पुट करना है, क्योंकि उसने खुद बताया हुआ दोनों इसके क्या है फैक्टर्स। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में आंसर जीरो आया था, इसका भी आंसर जीरो होना चाहिए। तो जब आप इन दोनों को जीरो पुट करेंगे तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो हम इसको पढ़ ही लेते हैं। इसमें उसने वैल्यूज निकाली, सिंपल किया डिवीजन, बाकी आपके पास क्या है वही माइनस वन, वन नीचे पहले सिंपल वन उठा के नीचे लेना है, फिर आगे डिवीजन स्टार्ट करनी। माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करके माइनस वन पी माइनस वन बन गया, ठीक है। अब माइनस वन को पी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, माइनस पी प्लस वन, माइनस पी प्लस वन क्यू माइनस पी प्लस वन, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद माइनस वन को मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस पी प्लस वन से तो क्या बन जाएगा, माइनस क्यू प्लस पी माइनस वन। तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब टू माइनस क्यू प्लस पी माइनस वन, ये आपके पास ये माइनस वन है तो टू माइनस वन आंसर आ जाएगा वन, वन माइनस क्यू प्लस पी बन जाएगा, ये रिमाइंडर है। दोनों को दो, एक दफ़ा माइनस वन पर डिवाइड करना है, एक दफ़ा टू पर डिवाइड करना है। बस आपके पास इस हिंट में हिंट ये है कि आपने जो रिमाइंडर है उन दोनों को इक्वल टू क्या करना है, जीरो पुट करना है, क्योंकि आपको पता है अगर माइनस वन और टू, यानी कि एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, अगर दोनों के दोनों फैक्टर्स हैं पॉलीनोमियल के, तो उसको पूरा को पूरा डिवाइड करेंगे और आर जीरो निकलना चाहिए। देखिए अगर नहीं भी आ रहा तो आपने उसको जीरो पुट करना है, पी माइनस क्यू प्लस वन को जीरो पुट किया, पी प्लस क्यू प्लस थ्री को इक्वल टू जीरो पुट किया और वैल्यूज निकाली। तो इसी तरह जब ये लिखा, या तो फैक्टर्स लिखा होता है या ये x माइनस, अगर x के साथ लिखा, जैसे x प्लस वन और x माइनस टू लिखा हुआ है, तो इसको कहते हैं फैक्टर्स हैं किसके, पॉलीनोमियल फंक्शन के, ठीक है। अगर माइनस वन और टू, जैसे आपने माइनस वन और टू पे डिवाइड किया, माइनस वन और टू को बोलते हैं कि ये उसके क्या है, रूट्स हैं, और x प्लस वन और x माइनस टू को क्या बोलते हैं, ये उसके क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे आप फैक्टराइजेशन भी करते हो तो इसमें जब x प्लस थ्री और x माइनस थ्री है, x इज इक्वल टू इसमें थ्री है और इसमें x इज इक्वल टू क्या है, माइनस थ्री है, ठीक है। इसे अगर इक्वल टू जीरो पुट करके निकालो तो माइनस थ्री और थ्री रूट्स कहलाते हैं, x प्लस थ्री और x माइनस थ्री क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें बोला हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ माइनस टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल। आप क्या करोगे, बारी बारी एक दफ़ा माइनस टू पर डिवाइड करोगे पॉलीनोमियल को, एक दफ़ा टू पर डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर निकलेगा दोनों इक्वल टू जीरो पुट करोगे, क्योंकि माइनस टू और टू क्या है, उसके रूट्स हैं। अब जैसे ये x प्लस वन और x माइनस थ्री, अगर इधर से वो x माइनस वन निकाले, और क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी, यानी कि a की वैल्यू माइनस वन निकलेगी, यहाँ से a की वैल्यू टू निकलेगी, ठीक है, ठीक है। तो इसमें a इक्वल टू आपको वन माइनस वन दिया हुआ है, a इक्वल टू टू दिया हुआ है, जो a की वैल्यू होती है वो कहला, अगर उसके बारे में बोले तो वो क्या कहेगा कि उसके रूट्स हैं, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। अगर वो उसी को x प्लस वन, या दो तरीके से दे, x प्लस वन x माइनस टू को कह दे कि या तो ये इसके रूट्स हैं, या कह दे x इज, या माइनस वन और टू उसके क्या हैं, उसके रूट्स हैं, और x प्लस वन और x माइनस टू उसके क्या है, फैक्टर्स हैं, तो दोनों की एक ही बात है। अगर फैक्टर्स दिए हों तो उससे आप रूट्स, यानी कि a की वैल्यू खुद निकाल, a रूट कहलाता है और x माइनस a क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है।